यूक्रेन आर्मी में रूसी सेना पर हमले का जारी किया वीडियो। खारकीव के इजियम में रूसी सेना पर बरसाए ताबड़तोड़ बम। डोनेट्स में दो जगहों पर सीरियल ब्लास्ट, चार लोगों की मौत, दो फूड मार्केट में तीन धमाकों की खबर। यूक्रेन के खारकीव में रूसी हमले में तबाही के निशान नजर आए, रिहायशी इमारतें, स्कूल रूसी मिसाइलों का निशाना बने। मारियापोल के स्टील प्लांट के बंकर्स में शरण लिए जवानों के हालात बदतर, तस्वीरों में देखे भूखे प्यासे घायल जवान। यूएन ने जारी की मारियापोल की सैटेलाइट इमेजेस, रूस के हमलों से तबाह हुआ शहर और उसका ज्यादातर हिस्सा, तस्वीरों में बर्बाद दिखा ओजोवत्साल स्टील प्लांट। रूस और यूक्रेन में सीज फायर के बीच मारियापोल के स्टील प्लांट में रेस्क्यू, 20 लोगों को बाहर निकाला गया, यूक्रेन के ओजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर ने जानकारी दी। मारियापोल में नागरिकों को रूसी सेना ने बांटा खाना, खाने के लिए कतार में नजर आए लोग। यूक्रेन के देवीदीव में गांव को रूसी कब्जे से बचाने के लिए प्रशासन ने डैम का पानी छोड़ा, कई गांव के आसपास बांध जैसे हालात बने। पूर्वी यूक्रेन के बारविंकोव में रूसी सेना को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए, यूक्रेनी सेना ने कई जगहों पर खोदे बड़े बड़े गड्ढे। अचानक यूक्रेन दौरे पर लवी पहुंची हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली, मेडिकल इंस्टीट्यूट का दौरा किया, रूसी हमले में फंसे बच्चों को मिली एंजेलिना, एक बच्ची के साथ खेलती हुई दिखी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जंग पर बड़ा बयान, कहा रूस ने मूर्खतापूर्ण युद्ध में गवाए 23,000 से ज्यादा सैनिक। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बॉर्डर गार्ड्स डे पर जवानों को संबोधित किया, वीरता दिखाने वाले बॉर्डर गार्ड जवानों को मेडल्स भी दिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान, रूस ने ब्लैक सी में 20 क्रूज मिसाइलों के साथ कैरियर शिप किया तैनात, कभी भी दाग सकता है मिसाइल्स। मोल्डोवा के विदेश मंत्री का बयान, कहा कि यूक्रेन में जंग पर कड़ी नजर रख रहा है मोल्डोवा, जंग के नतीजे से तय होगा यूरोप का भविष्य। मारियापोल के स्टील प्लांट में फंसे लोगों के रिश्तेदारों ने कीव में प्रदर्शन किया, लोगों को निकालने के लिए यूएन और कई दूसरे देशों से मदद की अपील की। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी सेना ने दोनेस्क और खारकीव में बस्तियों पर रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल दागे हैं, रूसी सेना ने हवा में ही मार गिराए हैं। मेलिटोपोल के मेयर रूसी सेना पर बड़ा आरोप, कहा 200 से ज्यादा नागरिकों को रूसी आर्मी ने किया किडनैप, लगभग आधी आबादी ने छोड़ा शहर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।